सुनता ना। अरे अगेंस्ट लाइट मत करो यार, अब अपने को इधर इधर आ जाओ साथ में, इधर भी इधर इधर आ जल्दी। गणपति बाप्पा मोरिया। अब आप भी खिलाओ, दो बार तीन बार खिला दिया फिर खिलाओ। अरे हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, आदिल डाइट रिटेक। जी सबको मैं भी कहूंगी हैप्पी गणेश चतुर्थी, आप सबको गणपति बप्पा की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? सबसे पहले मेरे पूरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों को मैं कहना चाहूँगा हैप्पी गणेश फेस्टिवल। और सबसे अहम बात यह है कि मैं सबसे पहले साल ये सब कर रहा हूँ और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरी बहन है और मैं मेरे बहन के घर पे मैं गणपति के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं और चाहता हूँ गणपति जी से ये मैं मांगता हूँ कि राष्ट्र की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, जो भी उसके ज़िंदगी में गम है वो दूर हो जाए और हर हमेशा खुश रहे। जी मुझे पूरे दो दिन लगे पहले तो डेकोरेशन करने के लिए, और बचा हुआ कल रात को मैंने 3 बजे किया है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से मैंने डेकोरेट किया है, पूरी भक्ति से। जी आपका पहला साल था गणपति को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हो आप? देखो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए हूँ, देखो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, एक हम हिंदुस्तान जैसे हम सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है सॉरी हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सबसे मेन ये होता है कि हम सबको बहुत ज़्यादा इज्जत दें, हर धर्म को इज्जत दें, हर रिलीजन को हम इज्जत दें। देखो जैसे मैं मुसलमान हूँ, जैसे अभी मैं आ रहा था तो नमाज का वक्त है, मैं नमाज़ पढ़ के मैं इधर आया और मेरी ये मेरी बहन है, इनका रिलीजन क्या है अलग है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। रिलीजन के साथ खेलना जो इंसान आजकल खेलते हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इनके घर में गणपति है, त्यौहार है, आई हैव टू कम, आई हैव टू ब्लेस हर, आई हैव टू गिव हर अ लॉट ऑफ लव, वो जो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आया, मैं आरती किया, आई एम गिविंग हर ब्लेसिंग्स, और ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, क्योंकि ये राष्ट्र का घर है, ये मेरे बहन का घर है और बहन की वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। भाई बहन का रिश्ता मजाक नहीं होता, आप किसी भी राय चलते इंसान को आप भाई या बहन बना लो, जो भी हम भाई या बहन बनते हैं उसको हर हमेशा के लिए रिश्ता उसको निभाना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूँ दोबारा कि मैं हर हमेशा राष्ट्र के लिए खड़ा रहूँगा और हर हमेशा मैं इस रिश्ते को पूरी तरीके से मैं निभाऊँगा नो मैटर व्हाट। जी हम महाराष्ट्र तरीके से गणपति सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैं एक प्रॉपर महाराष्ट्र लड़की हूँ, सो बचपन से जो देखते आए हैं उसी तरीके से अभी हम करते जा रहे हैं। मेरी मम्मी बहुत सेवा करती है, मेरे मम्मी हमने जो कुछ भी सीखा है मेरी मम्मी से ही सीखा है, तो बचपन से जो जो मम्मी हमें सिखाते आए हैं हम वैसे ही कर रहे हैं। जी बचपन की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप मम्मी को लेकर? जी जी मैं रत्नागिरी से हूँ और रत्नागिरी में मेरा घर है, जो विलेज है बहुत छोटा सा है जहाँ से मैं हूँ, तो हमारे यहाँ तो घर घर में गणपति बप्पा होते हैं, ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे गणपति बप्पा की स्थापना नहीं होती है। तो मेरे लिए वो इतनी अच्छी मेमोरी है कि मुंबई में तो खैर 1.5 दिन के गणपति ज़्यादा रखे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रत्नागिरी में पूरे 11 दिन किया जाता है, तो मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी यही। जी बचपन में लोग जब छोटे रहते हैं तो बच्चे लोग बप्पा से छोटी छोटी मन्नतें मांगते हैं, जैसे कि टीचर से मार खाने से बचाओ, मेरा आज होमवर्क नहीं हुआ है, पेपर में पास हो जाओ, ऐसा कुछ छोटे छोटे मन्नत आप मांगे हो बचपन में? मुझे कुछ याद नहीं है बट मांगी होगी शायद। दोस्त के लिए माना था क्या? नहीं मांगा था ना? नहीं दोस्त के लिए तो कोई मन्नत नहीं मांगी थी बचपन का, खैर मुझे याद नहीं है, बट अब मैं आज मन्नत मांगना चाहूँगी अपने भाई के लिए, मेरी भाई की खुशियाँ, उनकी ज़िंदगी, उन्होंने जो पिछले कुछ महीनों से जो जिया नहीं है वो उनको वापस मिल जाए और उनको सारी खुशियाँ मिले, जो उनका हक है वो उनको रिटर्न मिल जाए। थैंक यू।
जी पप्पा के ऊपर काफी सॉन्ग्स बने, काफी फिल्में बनी, कोई आपका मन पसंद है? गाना जी गणेश आचार्य जी का जो गाना है मोरिया मोरिया मोरिया, मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है जी। आदिल जी आपकी बात करें तो राखी जी आपका बेल कैंसिल कराने में लगी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? ये सवाल बेटर मेरे एडवोकेट जवाब दे सकेंगे, रुको मैं बुलाता हूँ उनको। सर भाई इधर आइए एक मिनट, तो वो प्रॉपरली जवाब दे सकेंगे जो अब पता चला है। अभी पता आप क्या कॉपी करते हो क्या मुझे? प्यार हो? हाँ प्यार है, थैंक यू। मैं सोचा हम कॉपी करते हैं, कल वाइट एकदम ब्लैक। अच्छा सुनो, सबसे पहले एक बात, अभी एक वॉइस नोट आया था जिसमें राखी कह रही है कि हम 3:30 बजे आदिल के बेल कैंसिलेशन में जा रहे हैं, नंबर वन। और नंबर टू ये कह रही है क्या आप दोनों के ऊपर केस फाइल होगा, राजश्री के ऊपर और आदिल के ऊपर, जल्द से जल्द करें। डिफेमेशन बिल्कुल बिल्कुल, जो किसके ऊपर हो रहा था लगा सकती है वो लगाए। सी अभी वो रिकॉर्डिंग हमने भी सुना है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो बेल कैंसिलेशन है उन लोगों ने ऑलरेडी उसको फाइल किया हुआ था, पर कुछ प्रोसीजर में ऊपर नीचे हो गया था तो उन लोगों ने उस चीज़ को वापस से विड्रॉ किया और आज वापस से एक नया करने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर प्रिपेयर्ड, हमको मालूम था कि ये चीज़ वो करने वाले हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सी प्रॉब्लम ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हमको करना क्या है। ओके अभी कल जैसे यू नो तनुश्री और आदिल का एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, तो अभी आज उनका हो गया कि यू नो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन और ये हुआ और वो हुआ। सी कैसा है कि आप सरेआम लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो अलाउड ही नहीं है। आप वीडियोस डाल रहे हो व्हाट्सएप पे, आप वीडियोस डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप वीडियोस डाल रहे हो हर सोशल साइट्स के ऊपर, वो चीज़ों को इग्नोर करके पुलिस अगर ये सब चीज़ों पे ध्यान देने जाएगी तो लोगों का विश्वास भी हटने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इतने प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तनुश्री, अगर आप देखोगे राजश्री, अगर आप देखोगे आदिल दुरानी, ये लोग सबूत के साथ और लीगली बात करते हैं कोई भी चीज़ के लिए। हमारे हर इंटरव्यू में हम बोलते हैं कि मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं चाहिए, हम चाहते हैं लीगल ट्रायल हो। तो वो गए हैं, बहुत जल्द हम हमारी तरफ से जो जाने वाले हैं एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने रखेंगे, तो मीडिया को भी समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। सी पब्लिसिटी के लिए या एक प्रेशर टैक्टिक्स बंद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हम हमारा जवाब बाय मंडे ट्यूसडे देंगे। और अगर अगर उनमें इतनी हिम्मत और इतनी सच्चाई है ना राखी, मैं तो कहूँगा अगर इनको एक बार मीडिया ट्रायल करना है तो मैं तो उनको निवोता देता हूँ, आके मेरे साथ वन ऑन वन एक बार बैठ के कर ले और इस मामले को ख़त्म करे। रोज़ रोज़ मीडिया ट्रायल उनकी ज़िंदगी हो, देखो उनकी ज़िंदगी एक्ट मैं जब मानता हूँ भाई चलती इससे, जब पहले था मैं चला रहा था, अभी इसके बाद मेरे फुटेज से चला रही है वो। अगर उनको बंद करना है तो बंद करें, एक बार मेरे साथ बैठने की हिम्मत रखते हो तो बैठ के ख़त्म करें, और अगर वो लीगली कोर्ट और पुलिस स्टेशन आ जाती है तो और भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमको भी ये नहीं चाहिए गंदगी हर दिन की, हर दिन वो कुछ एलिगेशन लगाती है, हम बैठ के उसको विथ एविडेंसेस क्लियर करें। मैं तंग आ गया हूँ इस चीज़। हमारी तरफ से भी बहुत प्रोसीजर्स हैं जो हमको करना था, पर क्योंकि ये एक त्यौहार का माहौल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, गणपति पप्पा जी सबके घर पर आए हैं, तो हम ये लीगल बैटल की जगह पर हम सबके घरों पर जाके आशीर्वाद ले रहे हैं, दुआ कर रहे हैं लोगों के लिए, सबकी सेहत के लिए और देश की अच्छाई के लिए। तो जो भी प्रोसीजर हम शुरू करेंगे वो एक ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाए।